महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने बुधवार को सत्ता छोड़ने से पहले अपने सियासी जमीन मजबूत करने के इरादे से बड़े और दूरगामी फैसले लिए। इसे लेकर शिवसेना ने अपने मुखपत्र में विस्तार से कई बातें लिखी। सामना के संपादकीय में भाजपा और बागियों पर तंज भी किया गया। पार्टी ने लिखा, औरंगाबाद को संभाजीनगर करने को लेकर कई लोगों के पेट में दर्द हुआ, लेकिन उसकी परवाह नहीं है। शिवसेना एनसीपी कांग्रेस की महाविकास अघाड़ी की 31 माह पुरानी सरकार का पतन हो गया। इससे पहले राज्यपाल बीएस कोश्यारी ने सीएम उद्धव ठाकरे को विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने का निर्देश दिया। इसे ठाकरे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट में 3 घंटे से ज्यादा चली बहस के बाद राज्यपाल के निर्देश को कायम रखा। इसके तुरंत बाद ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि इसके पूर्व बुधवार को दिन में महाराष्ट्र सरकार ने कई अहम फैसले लिए। शिवसेना के पूर्ववर्ती ठाकरे सरकार के इन फैसलों को लेकर सामना में लिखा गया है कि ये जनभावना पर आधारित निर्णय है। नई मुंबई हवाई अड्डे को लेकर डीबी पाटिल नाम देने का निर्णय लिया गया है और औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम धारा शिवकर के उद्धव ठाकरे ने वचन पूरा किया। औरंगाबाद को संभाजीनगर करने को लेकर कई लोगों के पेट में दर्द हुआ, फिर भी उसकी परवाह किए बगैर ये निर्णय लिया गया। शिवसेना ने लिखा, अयोध्या के बाबर का नामो निशान शिवसैनिकों ने हमेशा के लिए नष्ट कर दिया, उसी तरह औरंगाबाद का नाम महाराष्ट्र से मिटा दिया। इस पर महाराष्ट्र के मुसलमान भाइयों को भी अभिमान होना चाहिए। जिस तरह से बाबर हमारा कुछ नहीं लगता था, उसी तरह औरंगजेब से भी हमारा रिश्ता नाता या खून का कोई संबंध नहीं था। वो छत्रपति संभाजी महाराज का हत्यारा था और शिवराय उसके मुगल शासन के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़े थे। सामना में पार्टी ने लिखा, महाराष्ट्र के किसी जिले का नाम औरंगजेब के नाम पर होना क्लेशदायक था ही, साथ ही स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाला था। हाल के दिनों में कुछ लोगों के औरंगजेब की कब्र पर जानबूझकर नमाज अदा करने के लिए आने से कुछ अवशेष कुछ ज्यादा ही चर्चा में आ गया। परंतु महाराष्ट्र सिर्फ शिवराय के विचारों का और हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे की भूमिका को मानने वाला है। अयोध्या प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय जिस नम्रता से देश भर के मुसलमान समाज ने स्वीकार किया था, वही भूमिका संभाजीनगर मामले में अपनानी चाहिए। सामना में सवाल उठाया गया है कि हाल ही में विपक्ष ने सवाल उठाया था कि ठाकरे सरकार औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर करने से डरती है, लेकिन फडणवीस की पूर्ववर्ती सरकार ने यह पुण्यकर्म क्यों नहीं किया? इस सवाल का उत्तर उन्हें पहले देना चाहिए। कई बार लोक भावना का ही आदर करके निर्णय लेना पड़ता है। सामना में कहा गया है कि उस्मानाबाद का धारा शिव के रूप में नामांतरण भी पहले लंबे समय से लंबित पड़ा था। इस मामले में भी शिवसेना ने वचन दिया था। मराठवाड़ा औरंगजेब की तरह निजाम के पैरों तले रौंदा गया हिस्सा है। एक बड़े संघर्ष के बाद मराठवाड़ा का निर्माण हुआ। औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम धारा शिव करना मराठवाड़ा के मुक्ति संग्राम के लिए जिन्होंने शहादत दी, त्याग किया, उन वीरों के लिए मान वंदना सिद्ध होगा। ये निर्णय दोनों पक्षों को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करना चाहिए, तभी हिंदुत्व का सम्मान रहेगा और राष्ट्रभक्ति की भावना मजबूत होगी। शिवसेना ने अपने मुखपत्र में कहा है कि ठाकरे सरकार ने नवी मुंबई स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को स्वर्गीय डीबी पाटिल का नाम देने के प्रस्ताव को भी मंजूर किया है। मेहनतकशों के लिए जिंदगी न्यौछावर करने वाले, उनके लिए लड़ने वाले लोक नेता डीबी पाटिल का नाम हवाई अड्डे को दिया जाए। इसके लिए नई मुंबई और आसपास के जिलों के लोगों की एक कृति समिति तैयार की गई। उसके जरिए उन्होंने मुहिम चलाई, इस हवाई अड्डे को हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे का नाम दिया जाए या डीबी पाटिल का, ऐसा विवाद खड़ा किया गया। आगरी, कोली और अन्य तमाम भूमि पुत्रों के मन में शिवसेना प्रमुख के प्रति अपार श्रद्धा है, फिर भी स्थानीय लोगों ने डीबी पाटिल का नाम देने का आग्रह उद्धव ठाकरे ने स्वीकार किया। डीबी सिर्फ रायगढ़, ठाणे जिला अथवा नई मुंबई के एक विशिष्ट समाज के नेता नहीं थे। आज की नई मुंबई को आबाद करने उस काम के लिए अपनी जमीन जायदाद खेत गंवा दिए, लोगों को इंसाफ मिले इसके लिए वे लड़ते रहे, इसलिए उनको यह सम्मान मिलना चाहिए। वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।